शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं उमा जी से कि हे उमा, भगवान के सिपाहियों से युद्ध करते ना राम का नाम ले लेके मारो राम की सेना को, मारो राम की सेना को, राम राम रटते हैं और इस वजह से उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आप कहते हो कि नहीं नहीं भाव तो उनके अच्छे नहीं थे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का नाम ऐसा है ना कि भाव से लो या कुभाव से लो उसका असर अपने आप होने लगेगा। आप कहोगे उदाहरण बताइए, अच्छा ठीक है, आग समझते हो, आग पर पैर जान के पड़े चाहे अनजाने में पड़े, पड़ता है तो पैर जलता है, ऐसे बर्फ है, बर्फ का स्वरूप है शीत देना, ठंडा करना। अगर कोई धीरे से ला करके और मतलब शर्ट के भीतर एक मुट्ठा बर्फ डाल दे ठंडी के समय, गर्मी के समय नहीं, तो क्या लगेगा, ठंडी लगेगी ना। ठीक ऐसे ही परमात्मा का नाम है और परमात्मा है, आप किसी प्रकार से ना उनका नाम लेंगे तो उसका असर ये हुआ कि आपका मन शुद्ध हो जाएगा। एक और उदाहरण है, आपने सुना होगा अमृत, जो पीता है वो अमर हो जाता है, वो गलती से मुंह में पड़े चाहे जानबूझ के पड़े काम करता है। और एक सबसे सुंदर उदाहरण, जब छोट छोट लड़का आपके होते हैं तो दवाई से तो इतना नफरत करते हैं कि सीसी उठा के फेंक दे, फुट फट जा, पैसा ही बर्बाद हो जाए, उसको अपनी आदत याद आ गई होगी। तो अम्मा क्या करती है, पकड़ के दोनों पैर के बीच में दबाती है, एक हाथ से मुंह फैलाती है और ऊपर से ठूस देती है। उसके साथ वो होता होगा ना, दवाई दूध सब ऐसे ठूसना पड़ता है, यहाँ तक कि चावल दाल रोटी भी ठूसना ही पड़ता है बालक लोगों को। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो साधु की तरह एकदम चुपचाप खा लेते हैं, बहुत कम होते हैं। तो भगवान का नाम जैसे ये जबरदस्ती दो चाहे प्यार से दो इसका असर होता है, वैसे भगवान का नाम आप प्रेम से लीजिए चाहे क्रोध करके लीजिए उसका असर होता है। और भगवान उन सभी भक्तों को अपना धाम प्रदान करते हैं जो रणभूमि में रावण के सिपाही शहीद होते हैं। जा तू धान प्रदोष बल पाई, धाय करी दस शीस दुहाई, गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भटनाना, प्रभु पद कमल शीस तिन नाए, देखे सुभट रघुपति मन भाए, राम कृपा करे जुगल निहारे, भय विगत शम परम सुखारे। जो जो राम जी की सेना के सिपाही थक जाते हैं, भगवान एक बार उनके ऊपर कृपा दृष्टि डालते हैं और वो सब ठीक हो जाते हैं, श्रम रहित हो जाते हैं। एक और घटना होता है कि संध्या काल जब हो जाता है तो रण को विश्राम देते हैं, युद्ध रोक लेते हैं, लेकिन राक्षस लोग वहां बातचीत मत करो, मैंने मना किया था ना, देखो तो देखो शुभम कौन कौन कर रहा है, कल भंडारा का पैसा इनसे सुनना है, तब समझ में आएगा।